मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि यानी कि मुलैठी के बारे में। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में श्वसन और पाचन रोगों की दवाओं में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आपको लंबे वक्त से गैस की बीमारी सता रही है, खांसी काफी दिनों से परेशान कर रही है, तो मुलैठी से कारगर कोई दवा नहीं होगी। रिसर्च की माने तो पेट के अल्सर के घाव को भरने में भी मुलैठी काफी असरदार होती है। दरअसल मुलैठी एक सूखी लकड़ी की तरह दिखती है। मुलैठी के पौधे के तने का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। मुलैठी को ढूंढने के लिए आपको किसी हर्बल स्टोर को खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसानी से किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। अब तो बाजार में मुलैठी पाउडर भी आसानी से मिल जाता है। स्वाद में मीठी मुलैठी अपने खास औषधीय गुणों की वजह से हर घर में दवा के रूप में ली जाती है। अथर्ववेद से लेकर चरक संहिता तक में मुलैठी का जिक्र है। विदेशी चीनी चिकित्सा प्रणाली में भी मुलैठी को एक खास जगह दी गई है। मुलैठी का सेवन काफी आसान होता है। जब भी आपको खांसी हो, बस इसके एक टुकड़े को मुंह में डाल लें और दांतों से हल्के से इसे दबाते हुए इसके रस को चूसें। अगर आपकी खांसी सूखी है तो इसका सेवन शहद के साथ करें। इसके अलावा आप इसे गर्म पानी के साथ एक कप में भिगो दें। कुछ देर भिगोने के बाद मुलैठी को पानी से बाहर निकाल दें और कप के पानी को दोबारा गर्म करें और इसे धीरे धीरे पिएं। आप इसे चाय में भी डाल सकते हैं। इसे अदरक, तुलसी के रस और शहद के साथ पीस कर बने पेस्ट के रूप में भी अगर आप सेवन करें तो यह आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। इसमें कैल्शियम, ग्लूकोज और आयरन की मात्रा भी काफी पाई जाती है। चलिए आज आपको बताते हैं कि मुलैठी किस किस बीमारी में किस तरह से लेने पर फायदे पहुंचाती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खांसी की। मुलैठी को अगर आप काली मिर्च के साथ खाएं तो इससे कफ ढीला होता है। सूखी खांसी आने पर मुलैठी खाने से फायदा होता है। इससे खांसी तथा गले की सूजन भी ठीक होती है। बात करेंगे गले में खराश की। गले में खराश हो तो मुलैठी का इस्तेमाल ज़रूर करें। गले की खराश काफ़ी हद तक दूर होगी। फोड़े होने पर मुलैठी का लेप लगाने से भी फोड़ा फुंसी जल्दी ठीक हो जाता है। लगभग 5 ग्राम मुलैठी का चूर्ण अगर आप शुद्ध घी या शहद के साथ लें तो हृदय रोगियों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है। बात करते हैं अब मुँह के छालों की। मुंह में अगर छाले हो गए हों तो ऐसे में मुलैठी के पाउडर को मुंह के छालों पर आप लगाएं तो छालों में काफ़ी आराम मिलता है। मुलैठी का 1 ग्राम चूर्ण नियमित सेवन करने से स्त्रियां अपनी यौनि, सेक्स की भावना, सुंदरता को लंबे वक्त तक बनाए रख सकती हैं। अगर आप 0.5 ग्राम रोज़ाना मुलैठी का सेवन करते हैं तो इससे खून में वृद्धि होती है। अगर कहीं जल गया हो तो ऐसे में मुलैठी के साथ चंदन का लेप करने से जले हुए स्थान पर ठंडक मिलती है और साथ ही साथ जले के दाग भी नहीं बढ़ते। बात करेंगे अब मासिक संबंधी रोगों में मुलैठी के फायदों की। जिन औरतों को मासिक संबंधी परेशानी हो तो ऐसे में अगर वो 1 महीने तक मुलैठी के चूर्ण को शहद के साथ सुबह शाम लें तो मासिक धर्म की परेशानियाँ बेहद कम हो जाती हैं। अगर पेट में घाव हो गया हो तो ऐसे में भी मुलैठी का सेवन लाभप्रद होता है। इसके सेवन से पेट के घाव जल्दी ही भर जाते हैं। मुलैठी का चूर्ण ड्यूओडनल अल्सर के अपच, हाइपर एसिडिटी आदि पर लाभदायक प्रभाव डालता है। साथ ही अल्सर के घावों को भी ये तेजी से भरता है। मुलैठी आंतों की टीबी के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह 3 या 4 ग्राम मुलैठी ज़रूर खाएं। खून की उल्टियां होने पर भी मुलैठी काफ़ी फायदेमंद होती है। खूनी उल्टी होने पर दूध या शहद के साथ मुलैठी का पाउडर लेने से काफ़ी फायदा होता है। रोज़ाना अगर 5 ग्राम मुलैठी चूर्ण 60 मिलीलीटर दूध के साथ पिया जाए तो शरीर में ताकत आती है। मुलैठी प्रकृति में काफ़ी ठंडी होती है और ये पित्त का नाश करती है। तो ये थे मुलैठी के ढेर सारे फायदे। उम्मीद करते हैं मुलैठी के इतने सारे फायदे जानकर आप अपनी डाइट में मुलैठी को किसी ना किसी बहाने ज़रूर शामिल करेंगे और उठाएंगे इसके ढेर सारे फायदे। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और फायदे भरी बातों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।